हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी, अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 बजे की मैं उठी हूँ। अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट किया, बाहर दरवाज़ा खोल के देखा तो बारिश हो रही थी, तो बाहर झाड़ू मुझे लगाने नहीं था क्योंकि बारिश पहले भी बहुत हो चुकी थी, तो पूरे लॉबी में पानी पानी सा हो गया था। तो मैं बस डायरेक्ट वहाँ पर वाइप करके और पोछा ही लगा दूँगी। बस पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दी है और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। अभी सुबह के 5 के लगभग टाइम हुआ है, तो मैं अभी श्रेय को उठाऊंगी नहीं, 1-1.5 घंटा और सोने दूंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको कच्ची नींद उठा दो फिर वो दिन भर के लिए चिड़चिड़ा जाते हैं, और बेचारे वैसे भी वो स्कूल जाते, इतना सारा बैग बड़ा हैंग करके पढ़ाई करना, पूरे दिन वहाँ पर रहना, तो उनको रिचार्ज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वो अभी सो लेता है, वैसे तो वो स्कूल से आके भी सोता है, 1-1.5 घंटे में स्कूल से आके उसको सोने देती हूँ, देन शाम को खेलने जाता है, देन फिर हम लोग उसको पढ़ाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आज मैं उसको लंच में देने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और सब्ज़ी में छौंका लगाने से पहले मैंने कहा जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह मैसी पड़ा हुआ था, भरा पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा सामान से, वो मैंने हटाया, जो भी छिलके वगैरह निकलते उनको अलग रख दिया, और बस यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया जिसमें मेथी, जीरा, हींग डाल के और कद्दू डाल दिया, और अच्छे से कद्दू को पका लिया ऑयल में 2-5 मिनट। उसके बाद सारे मसाले कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, अगर आप कद्दू के बहुत ज़्यादा शौकीन है ना, तो आप कद्दू में थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाइए। गुड़ तब डालना है जब पूरा कद्दू सब्ज़ी बन जाए, तो आप हल्का सा गुड़, जस्ट पिंच ऑफ गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी सी आप खटाई यानी कि आमचूर पाउडर या नींबू निचोड़ दीजिए या कच्चा आम डाल दीजिए, उससे कद्दू बहुत टेस्टी बनता है। ये ना मुझे मेरी बड़ी दीदी है, जो मेरी बड़ी ननंद, उन्होंने बताया, तो मैं वही यूज़ करती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है, एक साइड आटा गूँथ लिया, और आज मैं ना उसको पूड़ी देने वाली हूँ, तो मैंने आटा भी अजवाइन, नमक एंड घी डाल के बना लिया है। तो बस सारी चीज़ें बन गई हैं, श्रेय को उठा दिया है, वो अपना शावर ले रहा है। मीन वाइल्स यहाँ पे मैं पोछा भी लगा दे रही हूँ पूरे घर में, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम तो है ही, आई थॉट कि चलो जितना भी काम निपटता जाए वो सही है मेरे लिए। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार, तो मेरा व्रत भी है, पूजा भी है घर पे, और मंदिर भी जाना है मुझे पूजा करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी मैं सोच के उठी थी कि चलो इतना सारा काम है, पूजा में भी मुझे टाइम लगेगा, और घर में एकदम साफ़ सफाई मुझे करके ही फिर टाइम से पूजा के लिए जाना होगा, तो इसलिए मैं जल्दी ही उठ गई थी। और बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ नहा धो के, और यहाँ पर श्रेय भी रेडी हो रहे हैं, तो हम दोनों ही लोग रेडी होते जाएंगे, मैं भी रेडी हो रही हूँ और साथ ही साथ इसको भी रेडी करती जाऊँगी, ऐसे ही रेडी हो पाती हूँ, वरना सुबह सुबह मुझे इतना टाइम नहीं है कि अलग से मैं हूँ या फिर अलग से उसको करवा। एंड वैसे तो वो कर लेता है काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे पहले छोटा था तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट अब तो वो खुद से नहा लेता है, यूनिफॉर्म वेयर कर लेता है, अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रख देता है, तो ये सारी काम वो काफ़ी कर लेता है। बस ये है कि थोड़ा सा फिर भी हमें देखना तो पड़ता ही है, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन हम पेरेंट्स को तो तसल्ली नहीं होती ना जब तक हम अपने हाथों से उनको तैयार नहीं करते। तो बस मैंने कॉम्बिंग कर दी है और उसका बेल्ट वगैरह लगा दिया, उसकी जो स्लिप के बटन है वो लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो नहीं लगा पाता है अभी, तो बस इस तरीके से उसको रेडी करके मैं भी रेडी हो गई हूँ। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि दीना आप सिंदूर लगा लिया करो पूजा करने से पहले, तो मैंने जरा सा लगाया है, वैसे मैं लगाती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो माता रानी के चरणों में स्पर्श करके फिर वही सिंदूर मैं लगा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा है तो मैंने लगा लिया है अभी, मतलब जरा सा क्योंकि गर्मी है तो बह के नीचे ना आ जाए, तो उस हिसाब से लगाया है। अच्छा, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, और यहाँ पर मैंने एक साइड दूध चढ़ा दिया है और पूड़ियाँ बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट में भी वो पूड़ी, दूध एंड थोड़ी सी सब्ज़ी खा कर जाएगा, तो उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और लंच में भी मैं उसको कद्दू की सब्ज़ी एंड पूड़ी देने वाली हूँ, और हाँ वो रेडी हो रहा है इसलिए मैं उसको बताती जा रही हूँ, ऐसा ऐसा कर लेना, हैंकी रख लेना, सारा सामान रख लेना, तो इस तरीके से सुबह की बहुत बड़बड़ वाला काम होता है। Thank you.
टू ऑल ऑफ यू। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि सुबह का सारा काम करते करते ना वापस जो कि त्यों हो जाते हैं, चाहे जितने भी बार आप नहा लो। तो यहाँ पे मैंने बाल खुले छोड़ दिए थे, कुछ हद तक तो सूख गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बन ही बनाना पड़ेगा, गर्मी बहुत लग रही है खुले बालों में। तो श्रेय जा चुके हैं अपने स्कूल और बस अब मैं भी करूँगी अपनी पूजा, क्योंकि आज है सोमवार, मंडे है। तो अपनी पूजा शुरू करती हूँ, पहले तो जाऊँगी मैं मंदिर, मंदिर से आऊँगी फिर करूँगी घर पे पूजा। तो चलते हैं, मंदिर चलती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाऊँगी। और हाँ, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, तो 4 बजे से उठी हूँ जब अभी इतने टाइम तक फ्री हो पाई हूँ। और अगर लेट उठती तो फिर मुझे लगता है इतने टाइम तक तो मैं नहा धो भी नहीं पाती। तो चलो टाइम से रेडी हो गई हूँ, चलते हैं मंदिर। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर से, और घर पे भी पूजा कर ली है अंदर, और ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी पूजा। अच्छा, मैंने ना कहीं सुना है कि श्रावण मास में ना आप इस तरीके से गमले में मिट्टी की शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजन कीजिए, क्योंकि अभी अधिक मास चल रहा है श्रावण का, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से उनका मंत्र बोलते हुए और बस अच्छे से मैं पूजन कर लूँगी यहाँ भी। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट लंच पे मिल रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपने लिए व्रत के लिए एक डेसर्ट बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बना करके खाऊँ। नमक मैं खाती नहीं हूँ, व्रत वाला फरार वाला ही मैं व्रत रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, जिसमें डाल दिए फ्रूट्स, और अच्छे से मिक्स करके चिल्ड आउट होने दूँगी। दैन फिर भगवान जी को भोग लगा करके फिर मैं भी खाऊँगी, क्योंकि आप लोगों में से किसी के कमेंट आए थे कि दी आप व्रत में कुछ स्पेशल बनाइए रेसिपी। तो ये बहुत स्पेशल रेसिपी, अगर आप भी व्रत कर रहे हो तो इस तरीके से बना लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स अकेले मुझसे लेके बैठ के वो खाना मुझसे नहीं होता है, तो इसलिए फिर मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। श्रेय आ गए हैं स्कूल से और हमारा भी लंच हो गया है। श्रेय का लंच बॉक्स वगैरह मैंने क्लीन करके रख दिया है, यूनिफॉर्म भी सारा सामान मतलब अच्छे से मैंने रख दिया है। यूनिफॉर्म वगैरह जो मैं सोप करके आई हूँ, शाम को धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है ना, तो रोज़ यूनिफॉर्म धुलना आयरन करना ये रोज का काम है ही। तो चलो अब मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पर, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।